और एक पराठा खाओगे? खाओ। ओके चलो खा लो, स्कूल जाना है ना। हेलो, क्या कब? हाँ मैं वहीं पहुंचती हूँ। क्या हुआ शर्मा जी? कैसे? पता नहीं, तुम शिबू को स्कूल छोड़ दोगे? प्लीज मुझे शर्मा जी के घर जाना। हाँ अरे सुप्रिया। मामा सैटरडे मूवी टाइम, चलो 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 चलो। नहीं हो पाएगा, शर्मा जी की पॉलिसीज चेक कर रही हूँ। कल कर लेना यार, आज मूवी का डिसाइड हुआ था। कोई बात नहीं, आज पापा और शिबू मूवी देखेंगे। यस यस कम ऑन, बाय मामा। सर कैसे हैं आप? बस ये बताने के लिए कॉल किया था कि क्लेम तो जल्दी सेटल हो जाएगा, जैसे ही डेथ सर्टिफिकेट मिल जाए बता दीजिए। सुप्रिया, सुप्रिया भाई नहीं आने वाली है क्या? नहीं नहीं, डेथ सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे वो? मैं आती हूँ ना आपके साथ। भैया खाने में क्या बनाना है? दीदी फोन नहीं उठा रही है। ये क्या कर रही हो यार? वो शर्मा जी का क्लेम सेटलमेंट। ये क्लेम सेटलमेंट के चक्कर में पूरी लाइफ अनसेटल कर दी तुमने सुप्रिया। क्लेम सेटलमेंट का पैसा नहीं मिलता इंश्योरेंस एजेंट्स को। क्या काम कर रही हो ये? क्या कमा रही हो इस सबसे? जल्दी से फ्रूट्स तुलिश करेंगे। जी मैं बताती हूँ। स्कूल जाएंगे ओके? शर्मा जी के बेटे ने मिठाई की दुकान खोली है, आज इनॉग्रेशन पे बुलाया है हम दोनों को। चलिए जल्दी से फिनिश, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। सुप्रिया दीदी, रिबन आप काटेंगे। आपको नहीं पता भैया, पापा के जाने के बाद कुछ भी नहीं बचा था हमारे पास। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पापा की कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी है, लेकिन सुप्रिया दीदी ने इतनी जल्दी क्लेम सेटल करवा दिया कि आज हम अपने पैरों पर खड़े हो पाए। पापा का सपना था ये दुकान, और वो आज आपकी वजह से पूरा हुआ है सुप्रिया दीदी। तो रिबन तो आप ही काटेंगी। क्या काम कर रही हो ये? क्या कमा रही हो सबसे? कमाई का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता, ऐसी ही कुछ कमाई करते हैं आपके इंश्योरेंस एजेंट्स।